दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ताकि मैं और आपको जानकारी दे पाऊँ, और प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे और अच्छी अच्छी वीडियो डालने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पॉट गार्डन्स में। सो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट है कि क्या वाकई ही कोको पीट प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है कि नहीं। सो आज का एक्सपेरिमेंट इस चीज़ के ऊपर है, और दोस्तों आपके सामने मैंने सारी सामग्री रख दी है जो हमें ज़रूरी होगी इस एक्सपेरिमेंट के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक भिगोया हुआ कोकोपीट, उसके बाद आप देख सकते हैं गीली मिट्टी जो कि बिल्कुल जिसमें बिल्कुल भी कंकड़ नहीं है। उसके बाद ये दो गुलदावरी के प्लांट हैं। हमें पता है जैसे गुलदावरी का मौसम आने वाला है, सितंबर ख़त्म होने जा रहा है और अगले महीने से गुलदावरी का मौसम आता है, और हर एक इंसान अपने घर में गुलदावरी का प्लांट लगाना चाहता है क्योंकि उसके फूल बहुत सुंदर होते हैं। तो इसलिए मैंने गुलदावरी के प्लांट का चुनाव किया है। और दो ये एम्प्टी पॉट्स हैं, और इसी के साथ ये कोकोपीट है सूखा हुआ। तो दोस्तों दो कोकोपीट आपके सामने, एक सूखा हुआ है और एक गीला है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये एम्प्टी पॉट लेते हैं। इस एम्प्टी पॉट में पहले मैं एक सूखा कोकोपीट डाल रहा हूँ ताकि उसके नीचे से ब्लॉकेज वगैरह कवर हो जाए, उसके ताकि जो नीचे से होल है वो कवर कर लें हम उससे। तो दोस्तों ये मैंने नीचे इसके कोकोपीट डाला है, और इसके अंदर जो पहला पॉट हम बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ मिट्टी का होगा। तो दोस्तों दूसरा पॉट बनाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्लांट है जो मैं इस दूसरे पॉट में लगाने वाला हूँ, और उसकी आप हालत देखिए, और इसकी तुलना में इसकी हालत बहुत ही अच्छी नहीं है। तो इस प्लांट को मैं दोस्तों कोकोपीट के मिक्सचर में लगाऊंगा। तो उस मिक्सचर को तैयार करने के लिए मेरे को चाहिए मिट्टी और गीला कोकोपीट चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक्सपेरिमेंट में ये दिखाना चाहता हूँ कि, और खुद भी एक देखना चाहता हूँ कि कौन सा प्लांट ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा, कोकोपीट के साथ वाला या फिर विदाउट कोकोपीट वाला। तो ये मैं देखना चाहता हूँ। सो उसी तरीके से जैसे मैंने पहले गमला भरा था अपना सूखे कोकोपीट से, मैं इसको भी भर देता हूँ जस्ट बिकॉज मेरे को ड्रेनेज रोकनी है। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ी सी मिट्टी लूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा, और मैं थोड़ा सा गीला कोकोपीट लूंगा। ध्यान रहे जो आपकी, जैसे अगर आपने एक मुट्ठी मिट्टी ली है तो उसकी एक चौथाई आप कोकोपीट डालें, तो मैं उतना ही डाल रहा हूं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने दो पॉट तैयार हो गए हैं। एक पॉट सिर्फ उसके अंदर सिर्फ मिट्टी है और उसका प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, और दूसरे पॉट के अंदर मिट्टी और कोको पीट का मिक्सचर है और उसके प्लांट की ग्रोथ थोड़ी धीमे है। तो देखते हैं कुछ दिनों में इसकी ग्रोथ कैसी रहेगी, और मैं आगे इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको दिखा पाऊंगे दोनों में ग्रोथ में क्या चेंज आया है। दोनों को मैं एक ही तरीके के एटमोसफेयर में रखूंगा, फुल सनलाइट में रखूंगा, और देखते हैं 10-15 दिन में इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, कौन सा प्लांट ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो करता है, किस में ज़्यादा अच्छी तरह से बडिंग होती है। तो इसके ऊपर मैं आपको अपडेट दूंगा। तो ये वही दो प्लांट हैं गुलदावरी के जो मैंने लगाए थे 30 सितंबर को लगाए थे, और आज 14 अक्टूबर हो गया है तो लगभग 15 दिन पूरे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये है कोकोपीट वाला गमला, इसमें ऊपर देख सकते हैं कोकोपीट भी, इसके अंदर मैंने मिट्टी और कोकोपीट मिक्स किया था, और ये सिर्फ जो है ये इसके अंदर सिर्फ मिट्टी डाली थी। तो अगर आप पुरानी वीडियो में देखेंगे, इससे पहले जो वीडियो में दिखाई थी उसमें देखेंगे इसके अंदर सिर्फ दो तीन पत्ते थे बड़े बड़े, जैसे कि ये और ये, और कुछ और भी होंगे छोटे मोटे, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ से ये पूरी रूट, ये पूरी शाखा, ये पूरी शाखा, ये पीछे वाली पूरी, ये नई ग्रोथ आई है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं उस गमले से, उस पौधे से जो मिट्टी में लगा हुआ था, आप देखिए कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है इसमें, हालांकि तंदुरुस्ती बरकरार है इस पौधे की,
बट ग्रोथ मामले में ये पौधा बहुत ही अच्छा चला है, और इसमें सिर्फ पहले दो चार पत्तियां थी गिनती की, और ये पौधा मुरझाया सा लग रहा था। अब देखिए कितना खिला हुआ है। इन दोनों पौधों को एक ही तरीके के टेम्परेचर में रखा गया है। इन दोनों पौधों को मैंने ऐसे साथ में जोड़ के ऐसे रखा हुआ था ताकि इनपे बराबर सनलाइट पड़े। इनको वाटरिंग भी मैं एक साथ ही करता था सेम समय पे, और ताकि मैं बता पाऊं कि आपको कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, किसमें अच्छी ग्रोथ होती है, कोको पीट या मिट्टी में। तो जो हमारा रिजल्ट आया, जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया, वो तो यही कहता है कि अगर आप कोको पीट यूज करेंगे मिट्टी में मिला के तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। ये टेस्ट मैंने गुलदावरी पे किया है बिकॉज गुलदावरी का मौसम आ रहा है। तो दूसरे पौधों पे हालांकि मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन कॉमनली अगर हम मेजरली बात करें तो ज्यादातर पौधों में ऐसी ही अच्छी ग्रोथ मिलेगी अगर हम कोको पीट यूज करें। तो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है हमारा पॉजिटिव आया दोस्तों। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आने वाले समय में और सारे एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करूंगा, और कई पौधों पे एक्सपेरिमेंट करूंगा, और कई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा, जैसे कि रूट हार्मोन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और भी कई चीजें हैं, नेट के फायदे क्या हैं उसके ऊपर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हम और सारे नई वीडियो बना पाए, नए नए पौधों पे बना पाए, नए नए एक्सपेरिमेंट बना पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।